यानी कि नरभक्षी होते हैं। आपका दिमाग शरीर की करीब 20 से 25% ऊर्जा इस्तेमाल करता है और सदैव भूखा रहता है। अगर आपका पेट भरा ना हो और शरीर में पर्याप्त ऊर्जा ना बन रही हो तो दिमाग ऊर्जा के लिए अपने ही अंदर के सेल्स को खाने लगता है। नंबर 2, ज्यादा सोने से आपका दिमाग पागल हो सकता है। ज्यादा सोने से आपका दिमाग जल्दी बूढ़ा होता है क्योंकि सोते वक्त दिमाग की एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आपने महसूस किया होगा कि ज्यादा सोकर उठने से आप नींद और जागे हुए के बीच की स्थिति में हो जाते हैं, जिसे आप आलस कहते हैं। नंबर 3, आपका दिमाग कभी भी भ्रम पैदा कर सकता है। दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि आपको उन चीजों को भी दिखाने और महसूस कराने की क्षमता रखते हैं जो वहां है ही नहीं। इन केमिकल्स को इंसान अलग अलग तरीके के ड्रग्स लेकर उत्तेजित कर सकता है, पर कभी कभार ये केमिकल खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभार नींद से उठने के समय आपको एकदम असली दिखने वाले सपने आते हैं। नंबर 4, जो भी आपको आंखों से दिख रहा है वो असली दुनिया नहीं है। आंखों के पर्दे पर पड़ने वाली रोशनी 2 आयामी यानी 2 डायमेंशनल होती है और हम रहते हैं 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल दुनिया में। तो दिमाग आंखों से मिल रही इन 2 डायमेंशनल पिक्चरों को अंदाजे से 3 आयाम में बदल देता है और फिर आपको दिखाता है। यानी कि जो भी आपको दिख रहा है वो सिर्फ आंखों का नहीं पर आपके दिमाग के द्वारा पैदा किया गया भ्रम है। नंबर 5, दर्द एक शारीरिक चीज नहीं पर दिमाग द्वारा पैदा किया गया भ्रम है। इंसानी दिमाग में दर्द भापने वाली कोशिकाएं नहीं होती, तभी तो ब्रेन सर्जरी के टाइम में इंसान ज्यादातर होश में रहता है। दर्द के सिग्नल दिमाग शरीर को तभी भेजता है जब उसे ये लगता है कि आपकी जिंदगी को खतरा है। पूरे शरीर में दर्द की भावना भेज सकने के बावजूद दिमाग खुद अपने आप को दर्द से दूर ही रखता है। नंबर 6, दिमाग बहुत ही मतलबी अंग है। खतरा पैदा होने पर इंसान को छोड़कर दिमाग पहले खुद अपना बचाव करता है। कोई मानसिक आघात पड़ने पर दिमाग उस वाक्य को ही अपने से मिटा देता है और उस वाक्य के साथ साथ वो सारी यादें भी मिटा देता है, जिससे लोगों में कभी कभार मेमोरी लॉस की घटना हो जाती है। गहरी चोट लगने पर दिमाग अपने से जरूरी हिस्सों को चालू रखकर बाकियों को बंद कर देता है, जिससे दिमाग चालू तो रहता है पर इंसान कोमा में चला जाता है। नंबर 7, हर इंसान के लिए समय की तेजी उसके दिमाग पर निर्भर करती है। हमारा दिमाग अगर किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है तो फिर उसके लिए समय जैसी वस्तु कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए तो आपको अच्छी लगने वाली चीजें करते वक्त आपको लगता है कि थोड़ी देर ही हुई है, जबकि घंटे बीत चुके होते हैं। और अच्छी ना लगने वाली चीजें में ऐसा लगता है कि कितने घंटे हो गए हैं, जबकि हुए कुछ मिनट ही होते हैं। साथ ही साथ दिमाग को किसी चीज में मजा आने लगता है तो फिर वो अपना ध्यान कहीं और भटकने नहीं देता। इन सब बातों से ये पता चलता है कि किसी का भी दिमाग उसके वश में नहीं है, पर हम अपने दिमाग के वश में हैं। पर अगर हम किसी तरीके से अपने दिमाग को काबू में पा लें तो दुनिया जी सकते हैं। आपको